प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आशीष शाह और आज हम देखेंगे गणेश वर्ड से कैसे गणेश की ड्राइंग बनती है। जी हां बच्चों, तो आइए हम सीखते हैं गणेश वर्ड से गणेश की ड्राइंग। सबसे पहले हम लिखेंगे इंग्लिश का वर्ड गणेश। ओके, ए और एन को यूज करेंगे गणेश जी के आंखों के लिए, इस तरह से। ओके, ये बन गया गणेश जी का आईब्रो। जी को यूज करेंगे हम गणेश जी का कान बनाने के लिए, इस तरह से। और ये साइड में हम यूज करेंगे गणेश जी का ई, दूसरा कान बनाने के लिए। अब ये हो गया गणेश जी का मुकुट, इस तरह से आप बाल गणेश जी का या फिर गणेश जी का मुकुट बना सकते हैं। इसको राउंड करके मुकुट के पीछे जो चक्र होता है, ये वो चक्र बन गया। अब बनाएंगे हम गणेश जी का दांत। बच्चों आपको पता है ना, गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ है, इसलिए हम उनका एक दांत टूटा हुआ बनाएंगे। और ये बन गया गणेश जी के मुंह में लड्डू, सॉरी सूंड में लड्डू। और ये गणेश जी की सूंड की डिजाइन। एस और एच को हम कैसे यूज करें आइए देखते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये गणेश जी का शस्त्र है जो अक्सर उनके हाथों में रहता है। थोड़ी मुश्किल पड़ेगी लेकिन हम कोशिश करते हैं इस शस्त्र को ठीक से बनाने की। आप चाहें तो इस एस और एच का यूज करके कमल का फूल भी इनके हाथों में बना सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा आपको, दूसरा कुछ नहीं। अब हम बनाते हैं गणेश जी का दूसरा हाथ, जो आप सभी बच्चों हमको गणेश जी आशीर्वाद देते रहते हैं दाहिने हाथ से। ये बन गया उनका दूसरा हाथ, ये उनका बाजू और ये उनकी जनेऊ। अब आया गणेश जी का बड़ा सा पेट जिसमें बहुत सारे लड्डू खाते हैं वो। ये इनका पैर, इनकी धोती की डिजाइन, वेरी सिंपल, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। ये देखिए उनका पैर और ये हो गया उनका दूसरा पैर और ये हो गया उनका वस्त्र। ठीक है प्यारे बच्चों, गणेश जी बन चुके हैं। चलिए अब हम गणेश जी में कलर फिल करते हैं। ये है ऑरेंज पेंसिल कलर, लाइट कलर हम फिल करेंगे पूरी बॉडी में, इस तरह से। पेंसिल कलर है, सभी के पास अवेलेबल होगी। ये बॉडी फिल हो गई लाइट ऑरेंज कलर से। अब हम इनके मुकुट को येलो करेंगे। इनका मुकुट तो हमेशा सोने का रहता है बच्चों, लेकिन हम गोल्डन कलर को यूज़ करेंगे येलो के लिए। ये उनका शस्त्र भी सोने का ही होता है, जिसे हम येलो से सेट करेंगे। धोती में कन्फ्यूज़न है क्योंकि येलो धोती गणेश जी की होती है, लेकिन हम गणेश जी की धोती को यानी वस्त्र को ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर से फील करते हैं, इस तरह से। फटाफट फटाफट, बहुत इजी, बहुत ही सिंपल। देखिए प्यारे बच्चों कितना आसान। अब हम उनके वस्त्र के कुछ भाग को स्काई ब्लू में कलर करते हैं, इस तरह से, पेंसिल कलर का यूज करके। ओके, अब हम इनके बॉडी में थोड़ी शेडिंग करेंगे उसी ऑरेंज कलर की पेंसिल से। इस बार लेकिन थोड़ा हमें डार्क करना पड़ेगा, पेंसिल को ज़्यादा प्रेस करना पड़ेगा ताकि डार्क शेड आए।
इस तरह से। अभी आपको दिख रहा होगा उनके बॉडी के जो भी पार्ट से अलग अलग उभर के दिख रहे हैं, थोड़ा सा इस तरह से हम बॉडी में शेड करते हैं। ओके, अब उनके वस्त्र के कुछ कलर स्काई ब्लू में हैं, अब उनको हम डार्क ब्लू कलर से शेड कर दिए। एक चीज़ भूल गए हैं प्यारे बच्चों, गणेश जी का वाहन यानी कि चूहा। देखिए इस चूहे को आप इजीली ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, वेरी सिंपल। और ये चूहा हमेशा लड्डू खाता रहता है, ये इसका वस्त्र। तो प्यारे बच्चों, गणेश जी और गणेश जी का चूहा हो चुका है। गणेश जी में कलर फील कौन सा करेंगे आप देखिए, पेंसिल, नॉर्मल पेंसिल आप यूज़ कीजिए, क्योंकि चूहे का कलर ग्रे शेड में होता है। ओके, चूहे का लड्डू हमने ऑरेंज कर दिया और इसका वस्त्र ग्रीन। अब इनके वस्त्र में थोड़ा सा डार्क पेंसिल हम लेकर के ग्रीन पेंसिल हल्की सी शेडिंग करेंगे, ताकि वस्त्र का उभार जो है वो इस तरह से दिखे। थोड़ी शेडिंग करेंगे तो वस्त्र थोड़ा अलग दिखेगा। ये हमने सिर्फ बच्चों के लिए बनाया है स्पेशली, ताकि बच्चे इजीली इसको ड्रॉ कर सकें। ओके, अब दूसरी चीज़ ये देखिए, ये एक बॉक्स का ढक्कन है, इसको हम यूज़ करेंगे गणेश जी के पीछे जो चक्र आता है प्रकाश का, उसको ड्रॉ करने के लिए इस तरह से। आप इसमें रेड येलो और ऑरेंज भी ले सकते हैं, लाइट स्काई ब्लू भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा। हमने इधर रेड लिया है प्लस इसमें येलो। इस तरह से, और बीच में जो कलर है हम कंफ्यूज में हैं, क्योंकि सभी कलर यूज़ कर लिए हैं, ब्लैक ले नहीं सकते, रेड वापस ले नहीं सकते। तो चलिए हम देखते हैं इसमें कौन सा कलर अच्छा लगेगा। फाइनली हमने रेड चूज़ किया। देखिए आप स्काई ब्लू भी ले सकते हैं, हालांकि ये ड्राइंग मैंने सिर्फ बच्चों के लिए बनाया है फटाफट, ताकि बच्चे सीख सकें। प्यारे बच्चों, अगर ये ड्राइंग आपको और स्लो मोशन में चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए कि मैं अपनी ड्राइंग स्लो मोशन में ही बनाऊं या फास्ट। ये गणेश जी का बाल जो मेन है, इसके बिना गणेश जी अधूरे दिखते हैं। थोड़ी सी डिज़ाइन आप मुकुट में और कर दीजिए, ताकि और सुंदर बन जाए। ओके प्यारे बच्चों, ये ड्राइंग आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताइए, और आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए कि गणेश वर्ड से गणेश जी की ड्राइंग क्या आप बना सकते हैं या नहीं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों, टाटा एंड टेक केयर। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे ड्राइंग के साथ।